गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हमारी YouTube फैमिली को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने नए ब्लॉग में। तो भैया मॉर्निंग हो चुकी है, हम भी सो के उठ चुके हैं और कल का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा हो गया था, आपको बताया थे कल ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे, लेकिन आज का ब्लॉग कंप्लीट होगा। सानू चाय लेकर आ गई हैं, तो भैया पीते हैं चाय और तैयार हुई थे ऑफिस के लिए। मौसम अब भैया एकदम ठंडा हो गया, आज तो रात में बड़ी ठंडी लागत रही, आज रजाई निकाले पड़े। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। ये देखो भैया पता नहीं क्या क्या सानू बना लाई हैं, एकदम मन नहीं है खाने का। गोभी का पराठा, ये दो ही खा लो, दो नहीं वो बड़ा वाला पराठा निकालो। बड़ा वाला पता है कैसे जुगाड़ से बनाए हैं, हम बेल नहीं पाते हैं पराठा, दो रोटी बना के उसे हम भर के बेले हैं और ये वाला बेले हैं। चलो ये वाला हम खा लेंगे, वो वाला बड़ा वाला ले जाओ। हाँ बड़ा वाला ले जाओ, टेस्टी तो बहुत है, टेस्टी बहुत है, लेकिन आजकल के मिर्चा बड़ा तीखा आवा, तीखा मिर्चा पड़ जाते हालत खराब हो जाते। तो खैर बहुत ज़्यादा टेस्ट है वास्तव में। तुम अपना वो मंगा लो, माँ का टेस्ट जो मंगाना मंगा लो। है मेरे पास? तुम्हारे पास है नहीं, ऑफलाइन तुम देखो और भी कोचिंग्स का देखो, एक ही कोचिंग का मत देखो, दो चार दस कोचिंगों का अलग अलग मॉक, जितना ऑफलाइन मंगाओ, मतलब तुम्हारे पास प्रॉपर पेपर में होना चाहिए OMR के साथ में, उसके बाद उसको करो। आप लोगों से बात करते हैं। आज देखा स्वेटर वेटर थोड़ा सा पहन लिए ही, ठीक बा स्वेटर इन द सेंस वही है स्वेट शर्ट। तो फिर जाते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आप लोग से, चलो बाय। हेलो भैया, अभी जस्ट आ रहा हूँ ऑफिस से और देखा हमारा हालत एकदम खराब है, एक तो बहरे ठंडी है बाय इतना ज्यादा, ऊपर से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुआ हम में, जो फील होत बा काहे से हम में तो अब हां देही हम आंख में इसीलिए दिक्कत हुई क्या? है न्यूज़पेपर पढ़ो, दिल्ली में तो इतनी भयंकर हालत है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। सांस लेना क्या, मेरे आंख में पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे गड़ सा रहा है बार बार। तो थोड़ा देर करते हैं रेस्ट, उसके बाद आप लोग से करते हैं बात। ये देखो भैया हमारे ठंडी व्यवस्था निकल चुकी बा, आज सानू निकाल दे हैं अचानक से, पता नहीं कैसे ठंडी हमें लागत भैया ठंडी हुए लागत पता ना है, अचानक से भैया एकदम से सानू कैसे ऊपर चढ़ी रहे, वह हवाले में रहा भैया, वह हवाले में रहा है, पता नहीं कैसे एका चढ़ के उतारे हैं, कैसे उतारी ये वाला सेकंड वाला खोले हाँ। पैर रखे हैं हाँ। और टंकी फिर खींचे हैं, उसको क्या करें। अच्छा तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता, शाम को आते हो हाँ। इस टाइम फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि मॉर्निंग में भागा 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 भाग लेते हो। अच्छा भैया सोचा यहाँ पे पहले एका खोली, यहाँ पे पाँव रखी, फिर ऊपर वाली निकाली, अगर गिरतू तो कसम से मुहा हुआ टूट जा तुहार। नहीं तो ऐसे कंडीशन में नहीं थी। अरे बच्ची तू खूब ऐसा कंडीशन में रहा, तू फाल्ट कर दिए। काम करता है काम? कौन काम करती हो तुम, क्या काम करती हो बताओ, क्या काम करती हो, सुबह शाम तक पूरा काम करने के अलावा क्या काम करती हो? ठीक है तब कोई बात नहीं। तो वही तो कह रहे हैं, सुबह शाम तक अगर पूरा काम देख लिया जाए तो पूरा काम करने के अलावा क्या काम करती हो? देखो यही पागल इंसान होता है, बुद्धि जब घुटने में हो। हम तो कह ही रहे पूरा काम के अलावा तुमको, तुम मतलब पूरा काम कर रही हो तुम, बस एक काम इनके पास बा, देखा आजकल थोड़ा बाल इस साइड निकालेंगे, थोड़ा बाल उस साइड निकालेंगे, बीच में पीछे के साइड में ये, और उसके बाद हर मिनट में। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अभी इतना केयरिंग होते तो बाल ना उड़ा होता मेरा। अच्छा पता नहीं क्या स्टाइल है, जो ये बाल स्ट्रेट करवा लिए थे वो आधा बाल इधर आधा बाल इधर, बीच वाला बाल पीछे वहां है। देखो क्यों नहीं देखेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ से लेकर ऑफिस तक जाते हैं, हमको महानो लड़की दिखाती जब हे। हाँ एक बात बतानी थी, आज हम गए थे मार्केट, जब से हम बाल स्ट्रेट करवा लिए हैं मेरी तरह वाली बाल वाली लड़कियाँ इतना दिख रही हैं और सुंदर लग रही हैं यार। अच्छा मेनली ये कहना चाह रही है कि हम हो सुंदर दिखाते ही नहीं, इस बाल में नहीं, तुम तुम्हारा भी घुटने में ये दीवार। अच्छा मतलब पहले वाली बार तो अब बाल हो गया है मेरा, कसम से पिंकर भी आज गए थे, पता नहीं क्यों ऐसा होता भी है, देखो पता नहीं पहले ध्यान नहीं देते थे क्या था,
जैसे मेरा पहले बाल था उस तरह की लड़कियां हमको दिख रही थी और लड़कियां अच्छी लग रही थी। अब तुम्हें नीक लागे अब नब अब ये है कि जीवन भर का कष्ट चला गया, अब वाला बाल आएगा दिक्कत की बात नहीं। सही में अब इनके अब न कराए हो तो सानू तब का हो, और कहूँ तो केहू को वजह से न कराए पाए हो तो तब का हो। हम जिद्दी भी नहीं है ऐसा नहीं। खुद हंस रही है। अगर सोचो नहीं जैसे ना कराई होती अलग चीज है, लेकिन केहू को वजह से मान लो अब ना करा पाए हो तो का हो। बहुत समझौता किए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत समझौता रे बच्ची तुम्हें जैसे बहुत अभाव में जिया हो तू कोनो चीज के। आज सभी आज सोचा अचानक से बैठ के ऑफिस में हमें क्या पता। हेलो हेलो भैया हेलो 1200 रुपया डाला तू स्कैनर भेज दी 1200 रुपया डाला। जैसे पहले से इंसान प्रिपेयर रहा है कि हाँ देखो बुरा भी लग रहा है। ब्लाउज दिया था सिलने को वो आया है तो तुम्हारा भी ब्लाउज ना सिल गिरा नहीं लगने वाला। सब कंफर्म कर लो अगर तुम्हारा लास्ट टाइम तक कुछ बचा रहा ना बच्ची तो देखो हाँ तो कर कछुआ ना क्यों ना उठा फेंक दे एक जान लो। मम्मी तो पहले अल्टीमेटम दे दे मम्मी कहीं सारा काम करे ना किच किच नहीं होना चाहिए। नहीं और नहीं तो आने की जरूरत नहीं है सगाई में। हमारे काम ये किचन काम करी किचन खोल के चली गई। अब इसे कुछ भी आए जाए इसे कोई मतलब नहीं है। ये क्या रखो पूरा किचन खुला है पूरा वो सब्जी का वो प्लेट खुला है वैसे ओपन है। कौन सा सब्जी का प्लेट जो बनाई हो ही नहीं सकता देखो। ये मजाक नहीं जो सब्जी बनाई है वो खुली थी पूरी सब्जी पूरी प्लेट खुली है और दरवाजा खुला है लाइट ऑन है। जिस हिसाब से तुम बोल रही हो नहीं हमको असर नहीं पड़ा है। हमको असर पड़ेगा भी तो किसी को क्या करना हमको असर नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये सब कोई करने वाली चीज है क्या दुनिया में इतना कुछ करने को है बस यही बचाने करने के लिए ये नौटंकी इतना कहाँ है। अरे बाप रे तो तुम क्या हो तुम्हारे हिसाब से दुनिया चलेगी तो ना चले लेकिन हरकत करके पैसा ना कमाए क्या करोगी तुम उसके लिए लोग करेंगे तो सबसे ज्यादा तो देखने वाले गलत हैं। सही देखने वाले गलत तूल देते हैं इतना। भैया सानू किसी मतलब एक ऐसे ब्लॉगर की बात करी कोई महिला ब्लॉगर है आजकल बहुत ज्यादा कोई तिवारी वाली करके हैं। नहीं कोई तिवारी वाली करके हैं उसमें ब्लॉग में है उनकी मतलब वो फीड में आती रहती है बार बार बहुत इस 3-4 दिन से खूब। लेकिन हम कहते हैं कोई कैसा भी हो कैसा भी नहीं हो हमें क्या करना ये एकदम से कहा अपने मुंडवा लेके घूमत हो वो गलत करत है मैं सही है इतना गलत ट्रैक कैसे लोगों को मिल जाता है हमको ये नहीं समझ आता है। ये किसी को गलत नहीं लगता या किसी करने वाले को सही लगता बस यही गलती है वो जो ब्लॉग बना रही हैं जो गलत कर रही हैं अपने जीवन में और ऊपर से इतना फ्रस्ट्रेशन में अरे बाप रे हम तो साला कसम से हमको ये टेंशन हो जाए हम सबसे ज्यादा जो मेरा मेन काम है उसी पे फर्क पड़ता है उन लोग का मेन ही काम हो रहा है पैसा कमाने वाला इस चैनल पे ब्लॉग उस चैनल इतना सोसाइटी से प्रभावित ना हो सानू हम प्रभावित नहीं है इतना सोसाइटी से प्रभावित नहीं हुआ जाता वो से प्रभावित होंगे कहीं तो अपना खून तो जला रही हो। हम तुमको बता रहे हैं कितनी घटिया घटिया हमको ये डिस्क्राइब कर रही है जैसे लग रहा है इसके अपने घर में कोई समस्या हो गई। लेकिन हम कहें कि कौन लोग हैं वो जो नेहा करके लड़की है उसका इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है कभी कभी फीड में मेरे वीडियो वो हर फंक्शन में रोती रहती है हम देखते हैं तो हम सोचे कि ये कुछ फिर इसके साथ हो गया क्या। बाप रे देखे तो इतनी बड़ी कहानी निकली उनके पीछे पसंद तो मुझे खैर कोई भी नहीं उसमें से लेकिन वो कुल मिलाई के देखा एक पॉजिटिव माहौल बनावे चाहिए। यार सुनो तुम क्यों इतना हैरान हो तुम्हें इतना सर पे क्यों सवार है उसकी बातें। लोग YouTube पे आ रहे हैं 4 मिनट 10 मिनट जो भी दे रहे हैं ये कचरा देखने के लिए आ रहे हैं क्या। कचरा उसको सब देख वो चलता है देख ही रहे हैं भैया मिलियन व्यूज जा रहा है देख तो मिलियन व्यूज जा रहा है तो उसको ये सोच के चलो कि वो हमारे काम की चीज नहीं है खत्म बात हो गई। भैया हमारे एक नया विचार है कि एक छोटा सा पपी लाओ सोचा थी हमें बहुत ज्यादा पिल्ला बहुत प्यारा हुआ हमेशा से तो सोचा थी हम एक छोटा सा कनो लेके आई हम नहीं रहेंगे हम नहीं रहेंगे सानू कहा थी लेकिन अगर कुकुर आई है तो ये न रही है। नहीं सही में नहीं कुत्तों के साथ हम नहीं रह सकते मेरे घर में एक ही कुकुर रहेगा बिल्ली कत्ता ही नहीं कोई जो वो नहीं। हाँ तुम्हें कौन सा जानवर अच्छा लगता है जानवर में हाँ
कोई भी नहीं। गाय? हाँ गाय अच्छी लगती है, हैं? गाय अच्छी लगती है। गाय अच्छी लगती है तो गाय ले आई, गाय पाल दी। हम्म, गाय सीधी नहीं होती है। कौन बात बोला थी ना बहुत ज्यादा। यहाँ पर पहले क्या था, हमारे सामने मान लो रोड है, रोड है, पहले कच्ची रोड थी, कोई भी जानवर आके आराम से बैठ सकता था इजीली, चाहे गर्मी ठंडी बरसात चाहे जो हो, पेड़ लगे थे, छाया ले सकता था, खाए कुछ ना कुछ अपन इधर उधर से, इतना मतलब कि इतनी सफाई नहीं थी और बाकी चीज, अब बैठने तक की जगह नहीं उनके पास। अब मेरी भी बात सुनो, ठंडी गर्मी बरसात रोड पे बैठ नहीं सकते हैं, नहीं। पेड़ बांधा है, पेड़ के नीचे बैठ जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन है? मानो है, मानो जिम्मेदार है ना। हाँ। लेकिन कल को तुमको लखनऊ में प्रॉपर्टी लेनी होगी। हाँ। तो तुम ये नहीं देखोगे कि इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं, या कुत्ते बैठे? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं स्वयं गलत हूँ, मानो ही तो गलत है। तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? उसके लिए किया जाए, उनकी राइट्स नहीं है, जानवरों का राइट्स नहीं है, प्रायोरिटी की बात जो कर रही है। वही बात है, तुम बताओ अपना, दुनिया का मत बताओ, दुनिया में क्या हो रहा है क्या? तुम जो अभी बोली ना प्रायोरिटी इंसान को दी जाएगी, प्रायोरिटी क्यों इंसान को दी जाएगी? प्रायोरिटी क्यों दी जाएगी? क्यों दी जाएगी भाई? क्योंकि इंसान कर सकता है, उसके अंदर इतना सबल है। इंसान कुत्ता है, कुछ नहीं है, सबल नहीं, कोई देश है, वो जानवर है, बेचारे बोल नहीं सकते हैं, उनका कौन सुनेगा? तो मैं यही कह रहा हूँ ना, जो तुम ये बता रही हो कि एक मानव का बच्चा हो, एक कुत्ते का बच्चा हो, पहले मानव के बच्चे को बचाया जाएगा। मेरी प्रायोरिटी ये है कि दोनों को या तो बचा लो, या तो ये ना कहो कि पहले इसको ही बचाया जाएगा। वो तुम कर भले रहे हो, व्यवहारिक जीवन में कभी ऐसा हो ही नहीं, हम मानते नहीं होता ऐसा कोई करेगा। प्रायोरिटी हमेशा इंसान को ही मिलेगी बिल्कुल भैया, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, मिलने, बोलते हैं क्या मतलब, बनी है पूरी पूरी कॉलोनी बनी है जानवरों के लिए, उनके लिए कि भैया ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, यहाँ जानवर रहते हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी संभव है? बिल्कुल संभव है। जाने दो यार, जाने दो, मारेंगे खींच के ना। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, जितनी राइट्स या जितने अधिकार मानव के हैं, उतने ज्यादा ही अधिकार दूसरे जानवरों के भी होना चाहिए। इसलिए कि मानो थोड़ा सभ्य हो गया, मानो थोड़ी बुद्धिमान हो गया, तो हर किसी को बर्बाद कर, मानो तो खत्म हो जाए इस पृथ्वी से ना, सिर्फ मानो खत्म हो जाए तो सारी सारा जहान आबाद हो जाएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आबाद तब किसको करना है जब मानो खत्म ही हो गया? हाँ, अच्छा, आबाद किसको कर रहा है? आबाद और जीव नहीं है, और जीव नहीं है तो वो फिर रहेगा? गाय गोरु बछवा और सांड और ऊन ना रही है, तो मानो नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। क्यों? ओ कितनी बढ़िया बात है, तो हर जगह पेड़ पौधे होंगे, हर जगह सब कुछ होगा, खोल के नहीं आएंगे। सही बताओ ये क्या है? ये तुम्हारे लिए छील छाल के रखे थे। हम सिंघाड़ा खा लेंगे, सानू खाना नहीं खाएंगे हम। आज सुन लो पहले मेरी बात, हम बता ही दें हमने क्या करा कि रात छोटी होती है, लाओ खाना बना लेते हैं समय से, ठीक है? 8:30 तक पूरा खाना बन गया था, ठीक भी है, 9:30 तक खावा ले जाएगा। आए पिंकल भैया करे, आज मेरा बहुत कम खाने का मन है, मैं वैसे तो कुछ नहीं खाऊंगा। हम खाएंगे ही नहीं, सिवा हम सिंघाड़ा खाएंगे। सही है, सिंघाड़ा क्या होता है? पानी है। अरे पानी है, पानी है, खा बच्ची है, मुझसे को ना करब, और खुला ना रहा, झूठ बोलन है। देखे सब्जी नहीं खुला था, बाकी पूरा वैसे खुला था। हम मान लो कसम से, हम कह रहे हैं हो ही नहीं सकता है पिंकल भैया ऐसा। हाँ। अभी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, अभी हमें सोचेंगे। भैया जुकाम होगा। अरे मम्मी, अरे मम्मी, भैया अब हम ना बचे। निकलो भैया, चल रहे खाना खाने का आज एकदम मन नहीं है यार, लेकिन फिर भी खाना खा ले रहा हूँ, बट ये थोड़ा ही खाऊंगा। ये सानू इसको क्यों निकाल के रखी हो, इसका कबर उबर कहाँ है? रजाई का तुम्हारे भूख लगनी है यार, दो दो रजाई बिछा दी थी, जगह इतनी नहीं थी छत पे ना, भाभी कभी। अचानक से मौसम ठंडा इतना ज्यादा हो गया है जिसका जवाब नहीं है, अचानक से एकदम से ठंडा हो गया। कल हम नॉर्मल शर्ट पहन के गए ना ऑफिस, एकदम खाना खा चुका है भैया, अब जाते हैं रेस्ट करें, अभी हम जाते हैं वीडियो एडिट करें और फिर उसके बाद भैया सोते हैं। कुछ बोलना है? क्या बोलना? पागल कहेंगी, मार देंगी। चलो भैया गुड नाइट आप सभी को, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत थैंक यू, हमको इस ट्रिप के रिजल्ट के लिए बहुत लोग कांग्रेचुलेशन बोले हैं, थैंक यू। चलो मिलते हैं भैया अगले ब्लॉग में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दें,
और लाइक जरूर किया करें, शेयर करा करें, अपने लोगों तक ब्लॉग को भेजें। बहुत बहुत थैंक यू, गुड नाइट, बाय।